में ये परंपरा साउथ से आई है। हमारे नॉर्थ वाले तो लोग बहुत निकम्मे पढ़ते झड़ते तो है नहीं, क्योंकि संविधान दिवस बहुत पहले से उधर मन रहा है और यहां नहीं आया। यहां आया तो तूफान की तरह से आया, अब यहां घर घर में मनना शुरू हो गया है, मगर इसको कुछ खास लोग ही मना रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे खास ही लोग हैं, वो भी शेड्यूल कास्ट लोग हैं जो मना रहे हैं, वो भी बाबा साहब के अनुयायी हैं शेड्यूल कास्ट में भी। ये ध्यान देना, क्योंकि ये राष्ट्र पर्व है, इसको राष्ट्र नहीं मना रहा है, इसको राष्ट्र ने मनाना शुरू नहीं किया है, आपको मनाना पड़ेगा तो राष्ट्र मनाएगा, क्योंकि राष्ट्र से द्रोह हो रहा है। राष्ट्र द्रोह कर रहे हैं लोग, राष्ट्र के संविधान को नहीं माने। दुनिया के सारे देशों में जहां भी जिस दिन एडॉप्ट होता है, आप उठा के देखिए जो इंटरनेट है उसमें सब दिन मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हर देश का अलग अलग दिन होता है, क्योंकि एक संविधान होता है, एक विषम विधान होता है। तो विषम विधान समझे कि विषम विधान क्या है। यहां भारत के अंदर युद्ध के समय में गण व्यवस्था थी। तो गण व्यवस्था क्या होती है? गण व्यवस्था है जो आज आप सब लोग बैठे इसको गण बोलते हैं पाली में, और इसका जो गणपति होता है, गण नायक होता है, गण अधिनायक होता है, वो वहां का राजा होता है। जो आपका गणपति गणनायक गण का अधिपति जो था वो लाठ था, कौन था? बृहदत्त। बृहदत्त तक आपका संविधान चलता रहा। बृहदत्त तक एक जो विधान था उसमें गण की व्यवस्था थी, राजा नहीं था कोई भी। लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध राजा के बेटे थे, राजा के बेटे नहीं थे, वो क्षत्रिय भी नहीं थे, क्योंकि छह वर्ड पाली में नहीं है। वो खेतीय थे, उनके पास हजार खेतों के, हजार हलों के बराबर खेत था, सबसे बड़े खेतीय थे, मगर व्यवस्था गण की थी, ना वो राजकुमार थे ना वो राजा थे। तो वहां तक बृहदत्त तक आपका संविधान चला, और बृहदत्त के बाद में विषम विधान चलना शुरू हुआ। विषम विधान को आप जानते हैं किस नाम से प्रचारित किया गया। वो विषम विधान ने आते 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 हमारी वो हालत कर दी कि पीछे झाड़ू और पीछे हमारे हंडिया होने लगी। इस विषम विधान को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने संविधान बनाया, और ये संविधान दुनिया के सारे लोगों ने माना, और ये बड़ा ही जबरदस्त है, क्योंकि विधान और संविधान बहुत चलते आ रहे हैं। आज का मौका ये बताने के लिए नहीं है, आज का मौका सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये संविधान बहुत जरूरी है, आपको इसका जन्मदिन मनाना चाहिए, आपको तालकटोरा आना चाहिए, आपको फोन करना चाहिए, आपको रैली निकालनी चाहिए, आपको बाइक रैली, आपको मोटरसाइकिल रैली, आपको कार रैली, आपको जगह जगह सेमिनार करने चाहिए, आपको भंडारा करना चाहिए, आपको इसकी बिल्डिंग भेजनी चाहिए, आप इस पर व्हाट्सएप पर लग जाइए, आप बधाइयां भेजिए, जैसे आप दिवाली क्रिसमस की भेजते हैं, ये आपका जन्मदिन है, आप बच्चों को बताइए कि संविधान और विषम विधान क्या होता है। अगर ये संविधान पलटा तो जो दूसरा विधान आएगा वो विषम विधान आएगा, ये ध्यान रखना, फिर आपके हालात रिवर्सल वैसी हो जाएगी। इसलिए आप इसको प्रेरित कीजिए, और सबसे बड़ी बात यह कि इसको राष्ट्रीय उत्सव के रूप में लीजिए। आप इसको SC ST OBC या माइनॉरिटी के रूप में मत दीजिए, ये राष्ट्र का है, ये राष्ट्रीय पर्व है, और सारी दुनिया मानते हैं। तो आप राष्ट्रीय पर्व में शान से आइए और कहिए कि अगर आप नहीं मनाते हैं तो आप देशद्रोही हैं, आप राष्ट्रद्रोही हैं। इसलिए हमें दो बर्थडे मनाने हैं। आज हम सबसे ज्यादा बधाई देंगे अपने भाई को, क्योंकि इन्होंने वो पर्व मनाने के लिए वो बुक कराया है, 3.5 लाख रुपए का ये काम भी हमने किया है, और ये भारत का पहला काम होगा जहां संविधान और बहुत लोग आएंगे, क्योंकि 24, 25, 26, 27 तीन दिन का हो गया है। आप सब लोग परिवार के साथ आएंगे, क्योंकि संविधान खाली आप ही का नहीं है, आपके बच्चे का उससे ज्यादा है, इसको मेंटेन करके रखना है। तो इसलिए भाई को एक बार बोले, नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।